हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद व्याख्या। तो टुडे वी आर गोइंग टू टू नो अबाउट आवर नोट्स। ओके, तो आज आप लोगों को नोट्स बता देते हैं चैप्टर के। तो आपको कितना लिखना है हम आपको टिक कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग व्हाट इज लिविंग जो है इसमें देखते हैं क्या लिखना है। अब देखो देखो, ये जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेकर एमर्जेंस टू दिस लिस्ट तक आपको लिख लेना है, ठीक है। आपको डालना है हेडिंग व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग पहले इंट्रोडक्शन में डालना, ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी यहाँ से पूरा लिख लेना कि ये सब क्या है, ये इमिनेंटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के, एक पैराग्राफ चेंज करके यहाँ डालना आप फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, ये सब करके पूरा यहाँ तक लिस्ट तक लिख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे डालना कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड डाल के पहला पॉइंट डालना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ग्रो, ठीक है। और इस वाले पैराग्राफ में हमको ये जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखने वाली, कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो आगे देखो, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट डालना, रिप्रोडक्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये लिख लेना या अपनी बुक में टिक कर लो, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से उतार रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइकवाइज हटा देना, इसको कट कर देना, लिख देना रिप्रोडक्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट डाल देना, ये क्या है आपकी हेडिंग, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। आप लोगों को नोट्स जो मैं दे रही हूँ वो बुकी से है, इसलिए बुकी से दे रही हूँ क्योंकि जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। आप देखो, एक आपको अभी लास्ट में बता देते कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आप लोग अभी आए हो तब बताते हैं। अनादर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो ये हटा देना, तो लिख देना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म, ये आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा नहीं लिखने वाला। और उसके बाद लिख देना मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो ये लिख सकते हो या आप अपने बुक में टिक कर लो पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट डालना, सेल ऑर्गेनिजम्स वो बॉडीज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये डालना। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। अब डालना कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये डाल देना, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो होगा कि इसके बाद ये फाइव पॉइंट्स होंगे जो आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हेडिंग डाल के लेना, हेडिंग डालना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डालना कि मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये फाइव पॉइंट्स डाल देना, ठीक है। और आगे देखते हैं, फिर देखो डालना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हेडिंग डालना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डालना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो उसमें आपको देखो, इसमें क्या है, आप जो मैंने अंडरलाइन जो लाइंस बताई हैं वो लिखो। देखो द नंबर ऑफ स्पीशीज से लेकर ये लिख लेना, फिर लिख देना दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, फिर जो नीचे जो लाइन दे रखी इसको अपनी कॉपी में लिख देना आइडेंटिफाइड तक, ठीक है, आइडेंटिफाइड तक लिख देना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आप क्या करना, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर की हेडिंग डालना, उसमें जो ये हमने अंडरलाइन किया वो लिख लेना, अपने बुक में भी एक बार देख लेना, आप लोग पास ही बुक होगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डालना, उसके अंदर ये लिख लेना, ठीक है, यहाँ लिख देना ये नेमिंग नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सब लिख लेना। और हाँ, जो भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ यहाँ पर वो सब अच्छे से लिख लेना, यहाँ तक पहले लिखना नॉन ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद लिखना ऑल फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स, ये लिख लेना, ICBN जो है नाम रट लेना, ICGN जो है अच्छे से रट लेना, ठीक है।
यहाँ पे देखो डालना साइंटिफिक नेम, तो देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हेडिंग डालना, उसमें ईच से लेकर पूरा लिख डालना, ठीक है, यहाँ तक ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा। और ये भी ज़रूर लिखना कि ये जो दिस नेमिंग जो सिस्टम है, जो किसने दिया था, कार्लोस लाइनस ने दिया था, बस यहाँ तक लिख लेना कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर जो हमने टिक किया हुआ है वो लिख लेना, देखो साइंटिफिक नेम से लेकर मैग्नीफियर इंडिका तक, इन फिर उसके बाद इन दिस नेम से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेना इस पैड पर। और ये जो अदर यूनिवर्सल रूल्स जो है वो भी हेडिंग डाल के, ये जो चार रूल्स है इनको लिख लेना, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना नोट्स, हम तो कहेंगे कि जो नोट्स हैं आप जब पढ़ लेते हैं, आप समझ लेते हैं उस चीज़ को, समझने के बाद आप जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, जो अपनी भाषा, हम ये नहीं कह रहे कि मराठी, उर्दू, बंगाली, ये नहीं, आप इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तब थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में ही कोशिश करिए, थोड़ा वर्ड इधर उधर करके तो थोड़ा अच्छे से लिखने के अपनी लैंग्वेज में, कहने मतलब ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना, जो हमने अंडरलाइन किए हुए जितनी भी चीज़ें, ठीक है, ये पूरा ये लिख लेना कॉपी में अपने, ठीक है। और अब अपनी लैंग्वेज लिखना, ठीक है, क्लासिफिकेशन ये तक लिख लेना, को डालना हेडिंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ से पूरा लिख डालना करेक्टर्स तक, ठीक है, और पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल पूछेगा ना, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से पेपर में पूछा नहीं जाएगा इसका, सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर में, तो एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस एक काम करना, यहाँ पर टैक्सा इज इक्वल्स टू कैटेगरीज, ठीक है, टैक्सा इज इक्वल्स टू कैटेगरीज करके एक छोटा शॉर्ट नोट में यार हल्का सा नीचे लिख लेना, ठीक है, जिसे याद रहे कि टैक्सा का मतलब कैटेगरी होता है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो कभी। अब देखो यहाँ पे डालना टैक्सोनॉमी हेडिंग डालना, टैक्सोनॉमी हेडिंग डालना, उसमें लिख देना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ के लाइन लिखना, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सुनो एक चीज़, ये हम कह रहे हैं कि आप लोग क्या करना, आप लोग ना बुक लेकर बैठो, बुक लेकर बैठो और बुक में टिक कर लो, टिक कर लो, ठीक है। टिक करने के बाद जब भी टाइम फ्री हुआ करे, मतलब कि पढ़ाई करने के बाद, तो हम रात में, थोड़ा रात में, तब भी जितने बजे आप सोते हो उसे 1 घंटे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में। 2 पेन का यूज़ करो, मैं तो 2 पेन का यूज़ करो मेनली, ब्लू और ब्लैक, और सुंदर राइटिंग करो बहुत है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में आपको कलर पेन तो यूज़ करना नहीं होता है। और रही बात नोट्स की, नोट्स में कलर पेन आप यूज़ कर सकते हो, कॉपी में कलर पेन यूज़ कर सकते हो, बट हाँ कर लो कलर पे, पिंक ब्लू कर लो, बट कॉपी में तो ब्लू और ब्लैक, और जो एग्जामिनेशन कॉपी होती है उसमें तो ब्लू और ब्लैक ही पेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में, जिससे नोट्स अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे और पढ़ने में भी मज़ा आए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक्स है, ठीक है, देखो जो भी हमने टिक किया है वो अपने नोट्स में डाल देना है, टैक्सोनॉमी के जब डेफिनेशन डालना तो उसके नीचे ये लिख देना, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद सिस्टमेटिक की हेडिंग डालना, उसमें ये लिख देना ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, ऐसे करके पूरा लिख देना, ठीक है। और सिस्टमा नेचर, ये अब जो लाइन है ये पूरी लाइन पूरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स, ठीक है, क्या है, इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, हिज पब्लिकेशन तक लिख देना, ठीक है, लिख लेना। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या लिखना है, ये जो हमने पूरा जो लिए, हम तो कहते हैं पूरा ऊपर का जो पैराग्राफ है लिख लेना। देखो नोट थोड़े बड़े इसलिए होते हैं जैसे कि जो भूलो ना, जैसे रीजन करने में मदद मिले, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इतना लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो। और एक और चीज़, जो एक नहीं थी किंगडम फाइलम डिवीज़न ऐसे करके जो बना नहीं था चार्ट, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, तो वो चार्ट भी जो है वो बना लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में बना लेना। एक और हाँ, एक छोटी सी हम वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 5 5 मिनट तक की वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स जो आप लोगों को मतलब कि परेशानी हो रही है लर्न करने में, तो उसकी थोड़ी सी एक ट्रिक बताएंगे। और वही जो किंगडम फाइलम डिवीज़न, ये जो इसके जो सीक्वेंस है स्पीसीज से लेके किंगडम तक के जो सीक्वेंस है, उसमें जो उसको लर्न करने में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो वो हम थोड़ा आपको बता देंगे। तो उसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और एक और चीज़ लिख लेना कि स्पीशीज़ जो होती है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, और ठीक है, और जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। अब देखो सेपियन, अब देखो स्पीशीज़ में हम लोग क्या डाल लिखेंगे, स्पीशीज़ के अंदर स्पीशीज डेफिनेशन और जो एग्जांपल, एग्जांपल हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, एग्जांपल में लिखना है कि जो पैंथरा है वो जीनस है और उसका जो स्पेसिफिक एपिटेट जो है टाइग्रेस भी है, ठीक है। और एक लिख देना पैंथरा लियो, पैंथरा जो है जीनस है और लियो इसका क्या है, स्पेसिफिक एपिटेट है। लियो टाइग्रेस स्पेसिफिक एपिटेट शो करते हैं पैंथरा, ठीक है, पैंथरा जीनस है। और यहाँ पे ये भी लिख लेना होमो सेपियंस जो है वो ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। और यहाँ पे सोलेनम जो है इंक्लूड स्पेसिफिक स्पीशीज लाइक नेग्रम एंड मोलंगना, ठीक है, ऐसे लिख देना। देखो इसमें जीनस डालना है एडिंग, और जो भी टिक किया हुआ है ना यहाँ तक जेनरा तक, जेनरा तक लिख लेना, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी जीनस की। उसके बाद एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में जो भी लिखा हुआ सब लिख देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नोट्स है वो आपको रिवीजन में मदद कर देंगे, ठीक है, मीन्स रिवीजन काफ़ी मदद करेंगे आपको, आपको इतना सब कुछ नोट्स में लिखवा देंगे कि आपको बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक एक चीज़ एनसीईआरटी की रटी होगी दिमाग में। अगर ये सब सारी चीज़ें अगर आपके नोट्स में होंगी तो आपको बुक छूने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से रट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो फैमिली हेडिंग डालना, तो नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी वो ये वर्ड मत लिखना, लिखना फैमिली तो लेके पूरा यहाँ तक लिख लेना, स्पीशीज प्लांट स्पीशीज तक लिख लेना। उसके बाद डिफरेंट जेनरा सोलेनम, अब डालना प्लांट के, यहाँ पे एग्जांपल देंगे अमंग प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लांट्स में डालना तो लिख दो सोलेमन, और या सोलनेशिया तक लिख लेना, और एनिमल्स डालना एनिमल्स में यहाँ तक फेलिडी तक लिख देना, ठीक है। अब देखो डालना ऑर्डर, ऑर्डर में देखो क्या लिख लेना, देखो ऑर्डर डालना, ऑर्डर में क्या लिखना, कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, ठीक है, यहाँ से लिख लेना, यहाँ से लिख कर पूरा यहाँ करेक्टर्स तक लिख लेना। उसके बाद प्लांट फैमिली से लेके पूरा यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। देखो इसमें क्लास डालना, देखो क्लास डालना, क्लास लिखने के बाद ये जो मेमेलिया तक है, मेमेलिया तक पूरा लिख लेना। फिर फाइलम डालना, फाइलम में ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और लिख लेना अपनी कॉपी में, जितने भी बेस्ड कॉम फीचर्स लाइफ प्रेजेंट नोटोकॉन होता है, ठीक है, ये सब लिख लेना। और रही बात इन प्लांट्स में, प्लांट्स में क्या करना, प्लांट्स में पूरा ये डिवीज़न होता है, वो प्लांट्स में डिवीज़न होता है ना, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीज़न प्लांट्स के लिए होता है, तो प्लांट्स में क्या करना है पूरा यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करना, अब इसमें किंगडम डालना है एडिंग, ऑल एनिमल्स से लेके पूरा यहाँ तक लिख लेना एनिमल तक, फिर कंप्राइज द प्लांट से लेके पूरे किंगडम तक लिख लेना, जैसे भी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक लिख लेना। और एक चीज़ ठीक है इधर लिखना, और ये जो चीज़ दे रखी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को, ये जो है जैसे असेंडिंग से डिसेंडिंग तक जा रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। हाँ और ये भी लिख लेना, वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन, ठीक है। देखो ये जो दे रखा है ये इम्पोर्टेंट है, और विथ दे आर टेक्नोमिक कैटेगरी, टेक्नोमिक कैटेगरी ये जो चीज़ डाली हुई है, ये जो टेबल है ये लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे आपको टेबल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता, पर आप ये है कि मैन और मैंगो याद कर लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो इसमें जो टेक्नोमिक ऐड जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो देख लो, ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पोलन डाइवर्सिटी, कलेक्शन से लेके पूरा एंड स्टडीज़ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, और हाँ इंफॉर्मेशन जो ये, और बायोलॉजिस्ट है से लेके पूरा यहाँ तक स्पेसिमेंस तक, ठीक है, यहाँ तक स्पेसिमेंस तक, ठीक है। अब देखो इसमें हर्बेरियम डालना और ये लिख लेना, ठीक है, दीज स्ट्रीट्स और अरेंज और शीट्स तक लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखना है, ये जो ये है
दी से लेकर पूरा ये स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद ये पूरा डिस्क्रिप्शन से लेकर पूरे यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद जो लाइफ है हर्बेरिया में ये तक लिख लेना। इसे इसमें दे दे रखा कि अबाउट डेट ये सब चीज़ें मैं कहूँगी कि आप ना लिखो, आप ये सब चीज़ें समझ लेना, अगर मन हो तो लिख लेना वरना ये सब चीज़ें बस समझ लो ठीक है। ये क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ हर्बेरियम, कभी आपसे ये एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता, आएगा तो 2 नंबर में आएगा हर्बेरियम ठीक है। तो 2 नंबर में आपको इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर में 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। कभी ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा ही नहीं जाएगा, हर्बेरियम हमसे 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाएगा ठीक है। तो इतना ज़्यादा लिखने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो बोटानिकल गार्डन्स, आप इस ये पूरा लिख लो ठीक है, आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि ये कौन सा गार्डन इंडिया इंडिया में कौन सा पाया जाता है ये ठीक है। ये सब लिख लेना, ये भी ऐसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं इसमें लिखना आपको ठीक है। और म्यूज़ियम में भी यहाँ तक लिख लो, सॉल्यूशन तक, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन तक लिख लो ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा और इसमें स्पेसिमेंस जो है प्रिजर्व होता है यहाँ से लेके पूरा पिनिंग तक लिख लेना ठीक है। ये लिख लेना देखो, इसमें जूलॉजिकल पार्ट लिखना है, बिहेवियर तक लिखना है, इसके बाद लिख देना दीज आर कॉमनली कॉल्ड जूज या दीज आर कॉमनली नोन फॉर जूज ठीक है। तो लिख लेना अब की हेडिंग डालना, की हेडिंग में क्या लिखना ये की डालना, और यहाँ सिमिलर डिसिमिलरिटी तक लिख लेना। फिर कुपलेट के बारे में लिख देना, कैरेक्टर जनरल कॉल्ड कुपलेट, और ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई कभी ये ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा ना, शॉर्ट में पूछेगा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछा जाएगा ठीक है। तो ज़्यादा इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है, 10 हाउ इज द की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको टिक कराया बस उतना लिख लेना ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोग नोट्स अपने कॉपी में लिख लेना, और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं एक बार रीड मार लेना, जो भी चीज़ जो भी सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, आपको लिखवा देंगे, टेंशन मत लेना ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहो, अपना नोट्स बना लेना। देखो आप लोग का मैं आपको बता दूँ नोट्स कैसे बनाते, देखो हम लोग क्या है टीचर्स ऐसे ही बता देती थी, तो हम लोग क्या करते थे उस चीज़ को एक जगह लिखने से पहले क्या करते थे, पहले उसको पढ़ लेते थे। एक्चुअली मैं क्या करती थी, मैं हर चीज़ को एक अच्छे से पढ़ लेती थी, उसको दिमाग में बैठा लेती, फिर जो भी चीज़ मैं जो लर्न हो जाती थी मैं अपनी ओन वर्ड्स में, जो मुझे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी अच्छी होती है वो अपने ओन वर्ड्स में क्या करें उसको अपनी भाषा में लिखते हैं ठीक है, अपनी भाषा ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते थे, और सब पारे नोट्स लिख लेते, जैसे क्या होता है कि हम लोग लर्न हो जाते थे और रिवाइज करने में मदद मिलती थी। ऐसे आप लोग क्या करें, आप भी ऐसे ही लिख लीजिए, आपको इसे हेल्पफुल आपके लिए बहुत मदद मिलेगी ठीक है। लिख लो एक जगह लिख लो, और ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके इस चैप्टर में छूटी हो, आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात बायोलॉजिकल नेम्स, और एक दो इसके लिए मैं ट्रिक्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद का वीडियो होगा ठीक है, तो वो शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें जो चीज़ मैं बताऊंगी उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ठीक है। तो ओके, और बस यही कहेंगे कि और मन लगा के पढ़ाई करो, 11th क्लास में आ गए हो, सिलेबस बहुत बढ़ जाता है ठीक है, बट सिलेबस जब जितना बढ़ जाए सपने उससे बढ़कर हैं, जो सपना है उसके पीछे भागो, एकदम पागल हो जाओ ठीक है, सपनों के लिए अपने जो तुम्हें बनना है ठीक है। तो यही कहेंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे एंड ऑलवेज स्टडिंग ठीक है। ओके बाय।